राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी ने हरीश चौधरी के ठाकुर के कुएं वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कालवी ने कहा कि यह चलन बन गया है कि जब तक कोई नेता राजपूत समाज को गाली नहीं देगा तब तक वह विधानसभा या लोकसभा नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा कि नागौर, बाड़मेर और जयपुर के जाट नेता राजपूतों को अपमानित करके अपनी बढ़ती हैसियत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि ये नेता शाम को साथ बैठते हैं और मिलजुल कर खाते पीते हैं, लेकिन राजनीतिक मंच से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आनंदपाल प्रकरण पर कालवी ने कहा, जब आनंदपाल को धोखे से मारा गया तो समाज के लाखों लोग इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आनंदपाल को सरेंडर की स्थिति में मारा गया था, इसके बावजूद उनके समर्थकों पर फर्जी केस लगाए गए और उन्हें परेशान किया गया। कालवी ने न्यायपालिका और पत्रकारों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस मामले को उठाया और समाज को न्याय दिलाने में मदद की। कालवी ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मामले पर भी टिप्पणी की है और कहा कि यह मामला भी आनंदपाल प्रकरण से मिलता जुलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और सरकार ने आनंदपाल को जेल में मारने की साजिश रची थी, जिससे बचने के लिए आनंदपाल को जेल से भागना पड़ा। प्रताप सिंह कालवी ने करणी सेना के अलग अलग गुटों के कारण समाज के युवाओं में उत्पन्न भ्रम की बात की। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह कालवी और लोकेंद्र सिंह कालवी ने समाज कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन आजकल करणी सेना का नाम दुकानदारी और चंदा वसूली का माध्यम बन गया है। कालवी ने कहा कि ये समाज कल्याण की मूल विचारधाराओं को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी और युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। प्रताप सिंह कालवी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि राजपूत समाज के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां राजनीति में एक चलन बन गई है। आनंदपाल प्रकरण में न्याय की मांग और करणी सेना की मूल विचारधारा को पुनः स्थापित करने की दिशा में उनके प्रयास महत्वपूर्ण है। राजपूत समाज और युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए कालवी और उनकी टीम लगातार जुटी हुई है। एक चलन चला हुआ है और जब तक राजपूतों को कोई गाली नहीं देगा वो विधानसभा लोकसभा भी नहीं पहुंच सकता, कोई भी जाति का हो। तो नागौर का जाट कहेगा कि दो गाली देगा राजपूत को और वो साबित करेगा कि मैं बड़ा जाट नेता हूं। बाड़मेर का जाट नेता चार गाली देगा और वो बताएगा नागौर वाले से बड़ा हूं। फिर जयपुर वाला कह देगा वो छह गाली देगा और वो कहेगा साहब मैं बाड़मेर वाले से बड़ा हूं। तो जब तक ये धापेंगे नहीं एक से बढ़, जब तक ये जितनी गाली देंगे वो अपने को साबित कराना चाह रहे हैं उतने बड़े हम जाटों के नेता हैं। और दूसरा इसमें ये बात है कि शाम को साथ भी बैठते हैं जाट राजपूत, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। खाना पीना भी साथ करते हैं, काम धंधा भी साथ करते हैं, लेकिन मंच पे सुबह ये गाली देके दोनों जातियों में फाड़ करके ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे समाज का ज्यादा बड़ा नेता हूं क्योंकि गाली में ज्यादा देता हूं। तो ये काम है, बाकी कोई काम नहीं है। ये भ्रमित करने का काम है और समाज में दो फाड़ करने का काम। आज आनंदपाल केस को लेकर भी एक मामला आया है कि अगर उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी घोषित कर दिया, दोषी जो पुलिसकर्मी एक आईपीएस है, सात पुलिसकर्मियों को दोषी भी नहीं। हाँ, ये तो देखो लाखों लोग जब इकट्ठा हुए तो समाज को तो समझ में चीज आती है, और धोखे से उनको मारा गया है जो सरेंडर की स्थिति में थे और बार बार वो पुलिस के संपर्क में भी थे उस दौरान कि सरेंडर करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको खुद को पता था कि मेरा धोखे से मेरे को मारा जाएगा और वो ही उनके साथ हुआ। और उसी के विरोध में जब समाज खड़ा हुआ तो हमारे 22 लोगों को सीबीआई जांच में भी फंसाया गया, हजारों लोगों को आई कार्ड लेके जगह जगह थानों में रोक के उनको परेशान किया, हजारों लोगों पे केस चला और बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। उसमें से कालवी साहब भी थे, लोटवाड़ा साहब अध्यक्ष जी हमारे राजपूत समाज के वो थे, सुखदेव जी गोगामेड़ी जी थे, उनके परिवार से थे, उनके भाई, उनकी बेटी आनंदपाल जी की वो थे, तो सबको परेशान किया गया और अभी तक परेशानी झेलनी पड़ रही है। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं न्यायपालिका का, बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके जो हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये इसको मामले को उठा रहे हैं, सच्चाई सामने उजागर कर रहे हैं। तो हमको बहुत मजबूत स्तंभ है दोनों और हमको न्याय की उम्मीद थी।
और हमको बरसों के बाद मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे कालवी साहब, लोटवाड़ा साहब, सुखदेव जी कोगामेड़ी, जिनका इसमें योगदान था, आज हमारे बीच में है नहीं। और लेकिन समाज इस चीज से, इस जो हमारा ये न्याय हुआ है, इसमें बहुत मजबूती से खड़ा है और आगे भी हम हर समाज को मजबूती मिलेगी कि जब तक अन्याय होगा रोड पे आने के लिए तैयार हैं। सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे, प्रशासन के खिलाफ हम लड़ेंगे और हम लोग एक होके, चाहे कोई भी जाति का हो, इसमें एकता जरूर दिखाएं। और सर, हालांकि मामले दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जिस प्रकार से आनंदपाल जी वाले मामले में आज न्याय हुआ है, तो गोगामेड़ी जी के लिए भी कम से कम 5 लाख से ज्यादा राजपूत सर्व समाज के लोग पूरे देश भर से जुटे थे, तो उसके लिए जो देरी हो रही है उसको लेकर क्या? हाँ देखो, ये दोनों मामले हैं, कोई मिलते जुलते मामले हैं। दोनों में, सुखदेव जी मामले में प्रशासन को और सरकार को अवगत कराया था, इनके मामले में भी सरकार, उनको आनंदपाल जी को तो डर था कि जेल में नहीं मार दे, उन्होंने जेल से भागने का मुख्य कारण ही यही था। उनके छूटने की सीमा तो, समय सीमा तो बहुत कम रह चुकी थी। जब इतने साल उन्होंने जेल में काट लिए तो जेल से निकले क्यों? क्योंकि उनके जेल में मरने का डर था। उन्होंने भी अवगत कराया कि भाई सरकार को, प्रशासन को, लेकिन उनकी सुत नहीं गई उनको, तो उनको जेल से जबरदस्ती, उनको अपनी जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ा, ना कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। ये सरकार की रणनीतियों से परेशान होके वो जेल से गए। कोई कानून उनपे, जो उनकी सजा थी वो होने वाली थी, आज उनके 2-3-4-6 महीने बचे थे, इतने साल उन्होंने काट लिए, और उसी का खामियाजा सुखदेव जी ने भी भुगता, ये सरकार की और प्रशासन की लापरवाही, और वही खामियाजा आनंदपाल जी ने और उनके परिवार ने, समाज ने भुगता के सरकार की और प्रशासन की लापरवाही के कारण। आज कहीं ना कहीं अगर राजपूत समाज की हम बात करें तो करणी सेना के नाम से अलग अलग करणी सेना बनी हुई है, और कहीं ना कहीं राजपूत जो युवा है उन, वो कहीं ना कहीं इन अलग अलग गुटों से वो भ्रमित हो रहे हैं, उसको लेकर आप? नहीं, भ्रमित का इसमें यह है कि जैसे कल्याण सिंह जी कालवी साहब थे, दादू साहब हमारे, तो उन्होंने समाज कल्याण में और राष्ट्र के कल्याण में काम किया। उसके बाद लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, पिताश्री, सामाजिक न्याय मंच, आरक्षण के मुद्दे हो, फिर जाके उन्होंने एक निचोड़ निकाला करणी सेना का, तो एक नाम स्थापित हुआ समाज में। जैसे भैरव सिंह जी का नाम है खाचरियावास, अंबानी का नाम है, टाटा का नाम है, तो एक नाम स्थापित हुआ, एक पैट स्थापित हुई, एक पुख्ता चीज स्थापित हुई कालवी, और फिर कालवी साहब ने करनी से ना एक चीज बनाई समाज कल्याण के लिए। तो कालवी साहब के जाने के बाद ये दुर्गति ज्यादा हो गई है, क्योंकि उस कालवी साहब एक खुली किताब छोड़ के गए, इसको कभी नाम को बंद करके नहीं गए कि करनी सेना में सीमित रखूं। तो साहब का उद्देश्य ये था कि समाज कल्याण में और समाज के उत्थान में काम करे, लेकिन इसको जो दुकानदारी बना दी गई है, एक इसको चंदा वसूली की जगह बना दी गई है, और आप देखें जगह जगह कोई नाम से कोई के टोल फ्री कर दो हमारा, और ये खाना फ्री कर दो ढाबों पे, होटल में, ये तोड़ फोड़ कर देंगे, तो वो उद्देश्य किसी का भी नहीं होता। तो वो आज दुर्गति देखने को मिली है, तो समाज को ये और युवाओं को ये हम जताना चाहते हैं, और ये गारंटी ले रहे हैं कि हम धरातल पे उतरेंगे, एक यात्रा पे उतरेंगे, और जो मूल उद्देश्य, मूल विचारधारा थी कालवी साहब की, जो इस संगठन को बनाने में आज 70 साल लगे, क्यों 70 साल इसलिए लगे, क्योंकि कल्याण सिंह जी कालवी साहब का भी योगदान है इसमें, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का भी इसमें योगदान है। तो एक ब्रांड ऐसे नहीं बनता, एक सामाजिक, जैसे टाटा को जमशेद जी टाटा से लेकर रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी से आज तक अंबानी, कितनी पीढ़ियां, कितना टाइम लगा, और यही उन्होंने नाम साइरस मिस्त्री जी को 6 महीने के लिए दिया, उन्होंने धूल मिट्टी में इस नाम को मिटाने की कोशिश करी तो नाम वापस लिया गया। ये कोशिश हम करेंगे इस समाज कल्याण के लिए, जिस इस संस्था को बनाया गया उस विचारधारा पे हम धरातल पे वापस उतर के और इस विचारधारा को ठीक करें, ताकि हम, हमारे रतन है, हमारे कोहिनूर हैं। आज जैसे भारत को आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू साहब, उनका भी एक अलग विचारधारा थी, लेकिन उद्देश्य ये था कि भारत को आज़ाद किया जाए। ऐसे ही भगत सिंह जी थे, उनका विचारधारा, संगठन अलग था, लेकिन उद्देश्य ये था कि भारत को आज़ाद करें। सुभाष चंद्र बोस, उनकी उद्देश्य ये था कि भारत को आज़ाद कराएं, लेकिन विचारधारा, संगठन वगैरह सब अलग था। तो करनी सेना का भी उद्देश्य एक है, तो उसको संगठन को एक ही रहने दो। आपकी अगर विचारधारा अलग है तो आप अपने नाम से संगठन बना लो,
लेकिन उस एक जैसे एक रिलायंस एक है समाज में, एक टाटा एक समाज में है, तो टाटा अगर खुली किताब कर देगा तो 50 संगठन कल ही बन जाए, एक टाटा जूते वाला, टाटा प्रेस वाला, टाटा हलवाई, टाटा सब्जी, तो उसकी जो पैठ है जमशेद जी टाटा का जो विचारधारा था वो आज भी सबसे ज्यादा योगदान चंदे में और जो एनजीओज के तौर पे जो टाटा काम करता है सबसे ज्यादा काम वही करता है। तो मेरा उद्देश्य वही था कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो उद्देश्य था, लेकिन विचारधारा एक थी, अलग अलग थी, तो संगठन भी अलग थे। तो करनी सेना की जो विचारधारा है वो विचारधारा ये नहीं है कि भाई आप अपने समाज तक सीमित हैं, आप अपनी घर दुकान चला रहे हैं, आप अपनी होटल टोल फ्री करा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, वो नहीं था। साहब ने घर जला के होली देखी है, तो साहब ने का जो उद्देश्य था वो उस उद्देश्य पे काम करना चाहिए था कि घर में समाज से कुछ घर नहीं भरे, हमारा जेब नहीं भरे, हम जूते घिसें, जेब घिसें, तन मन धन से हम समाज के लिए कैसे काम करें, उस विचारधारा पर चलते।